आर्टिस्ट शाइना देसाइड। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक्रेलिक कलर्स घर में कैसे बना सकते हैं और इसका यूज़ भी मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। और मैं ये भी सिखाऊंगी कि आपके जो पुराने कवर्स रखे हुए होंगे आप उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। क्लीन बोल ले लो, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे एक टैलकम पाउडर यूज़ करने वाले हैं, चॉक पीसेस ले लो, फिर एक स्पून ले लो एंड ग्लू गम। यहाँ पे आप कोई भी टैलकम पाउडर यूज़ कर सकते हो, मैंने पॉन्ड्स का टैलकम पाउडर यूज़ किया है। सबसे पहले हम अपने चॉक्स को उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ ग्लू यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून ऑफ वाटर, 1 टीस्पून ऑफ चॉक पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ पाउडर यूज़ करेंगे। ये सबको हम इसी रेशियो में मिक्स करेंगे और ये मिक्स करने के बाद देखते हैं हमें क्या टेक्सचर मिलता है। एक्राइलिक कलर्स और वाटर कलर में क्या डिफरेंस होता है कि एक्राइलिक कलर हम सूखने के बाद वाटर एक्टिवेटेड नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे चॉक पाउडर लेंगे और एल्स हम यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ले सकते हैं। मैंने कभी तक अभी तक तो बनाया नहीं है, इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि क्या बेटर होगा। मैं यहाँ पर आपको चॉक पाउडर से भी बना के दिखाऊँगी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बना के दिखाऊँगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्डनिंग और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देना चाहिए, क्योंकि एक्राइलिक कलर सूखने के बाद वो वाटर एक्टिवेटर नहीं होता है, जो ये इफ़ेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस दे सकता है। लेट्स सी कि चॉक पाउडर ये इफ़ेक्ट दे पाएगा कि नहीं, ये देखने के लिए मेरी वीडियो में आगे बने रहिए। तो मेरा यहाँ पे एक्राइलिक कलर चॉक पाउडर वाला तो हो गया है, बन गया है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं उसका टेस्ट अपनी इसी वीडियो में करके दिखाऊँगी। तो कवर ले लिया है मैंने, एक पुराना कवर मेरे पास पड़ा हुआ था और इस पर मैं देख रहे हैं कि हम कुछ बहुत अच्छा कवर नहीं दे रहा था ये चॉक पाउडर वाला। बट लेट्स सी, पूरे को कवर करके ड्राई करके हम देखते हैं कि ये कैसा लुक देता है। होपफुली ये बहुत प्रिटी लगे, बट लेट्स सी सूखने के बाद ये कैसा लगता है। बने रहिए मेरे इस वीडियो में आगे की देखने के लिए। और मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप अपने मोबाइल पुराने मोबाइल कवर्स को बिल्कुल न्यू और कस्टमाइज्ड लुक कैसे दे सकते हैं। उसके लिए वेट कीजिए और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल पे, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर दबाएँ। यहाँ पे आपने देखा कि मेरा चॉक पाउडर वाला जो मैंने दिया था लुक, वो कुछ अच्छा कवर अप नहीं दे रहा है। तो इस बार हम सारा चीज़ सेम लेंगे, जस्ट चॉक पाउडर के जगह मैंने यूज़ किया है इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लेट्स सी कैसा होता है। 1 टीस्पून ऑफ ग्लू, 1 टीस्पून ऑफ चॉक पाउडर, नहीं सॉरी चॉक पाउडर नहीं, 1 टेबलस्पून ऑफ पाउडर, टैलकम पाउडर, कोई भी टैलकम पाउडर यूज़ कर लो आप। मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का टैलकम पाउडर यूज़ किया है। फिर 1 टेबलस्पून ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही मेजर शिफ्ट देगा। मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर थोड़ा ख़राब हो गया यहाँ पे, इसलिए ये ऐसा लुक दिया है। बट आई थिंक प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करना चॉक पाउडर के यूज़ करने से ज़्यादा बेटर होगा। और मेरा चॉक पाउडर एक्सपेरिमेंट इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि मेरा चॉक पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेडियंट नहीं बन पाया था। अगर आप उसको बहुत ही फाइन करके पाउडर बनाते हो तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा लुक देगा, बहुत अच्छा कवर देगा जब आप उसको पेपर पे यूज़ करोगे। बट अदर मीडियम के लिए, लाइक जब आप उसको वुड पे यूज़ करो या कवर पे यूज़ करो, उसके लिए आई थिंक प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने यहाँ पे कवर पे यूज़ किया है चॉक पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। लेट्स सी इसका लुक कैसा आता है, तो देखते हैं। सो गाइज, ये लुक दे रहा है, ये आप देख सकते हो कि ये क्या लुक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक स्टोनी इफ़ेक्ट दिया है। ये जो वाइटिश वाला बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मेरा चॉक पाउडर वाला एक्राइलिक कलर है, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी तो मैंने दोनों को यूज़ कर लिया। एंड जो थोड़ा ग्रेइश वाला है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। एंड ये जो उठे हुए हैं ये इसलिए हैं क्योंकि मेरा चॉक पाउडर कम्प्लीटली, जैसे मैंने बताया है कि फाइनली पाउडर नहीं हुआ था, तो ये आई थिंक कुछ स्टोन इफेक्ट दे रहा है। बट ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, बट स्टिल ये बहुत
प्रिटी लग रहा है आई थिंक सो। आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना।